सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। योगेश्वर शिव बाबा, हम बच्चों को राजयोग सिखाकर राजयोगी बनाने वाले, आज बाबा कह रहे हैं तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना ही नहीं है। जब पूरा पहचानोगे तब श्रीमत पर चलोगे। और दूसरी बात, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से हाय दिल से निकलेगी, ना दिल से निकलेगी, लगी है आस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से हाय दिल से निकलेगी, ना उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा कह रहे यह डबल है, हर एक कहेंगे ओम शांति। बाबा कहते तुम तो सिंगल हो, लेकिन दो बार कहने पड़े ओम शांति, क्योंकि बाप दादा बैठे हम बच्चों को समझाते। तुम यहां युद्ध के मैदान में बैठे हो, ऐसे नहीं कि जैसा वो लोग आपस में लड़ते हैं वैसा, ऐसा नहीं। ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मेजोरिटी की बात हो जाती है। नंबर वन है देह अभिमान, सेकंड है काम। तुम याद केवल से पांच विकार रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं, तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहां एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान, वो है ही पतित से पावन बनाने वाला, पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। भगते ये कोई मनुष्य नहीं समझते कि रावण द्वारा पतित बने हो। बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, सतिग में मारने की बात हो नहीं सकती। जो कृष्ण कली दिखाया है, उखरी से बांधा, उसे ऐसे कोई बात नहीं हो सकती। वहां बच्चा कभी चंचल नहीं होता है, वो तो सर्वगुण संपूर्ण, सलोकला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते जाते हैं, अच्छी चीज की याद आती है ना। जैसे दुनिया में सात वंडर्स तो है, तो मनुष्य याद करते हैं, देखने आते हैं। आबू में अच्छे से अच्छी चीज क्या है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही हैं मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं, सत्युग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं, मंदिर बाद में बनते हैं।
यादगार के लिए। सतयुग में त्यौहार आदि कोई होते नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कर्नेशन डे मनाते हैं, वहां तो जोत सबकी जगी हुई होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास एक गीत है ना, नवयुग आया कि आया, ये सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए, देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है, सिर्फ बाप को याद करना और स्वदर्शन चक्र फिराना है। बस यहां तुम बैठे हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में है हमारा 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। अब पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय, भगवान उवज है। यह वही गीता का युग चल रहा है जो भगवान ने गीता सुनाया था, कलप कलप का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कलप के संगम युग पर आता हूं, मैं वही गीता का भगवान हूं, यहां आता हूं नई दुनिया स्वर्ग रचने में, द्वापर में कैसे आऊंगा। यह बहुत बड़ी भूल है हम बच्चों ने कर दी है कि द्वापर में आया है, हम समझ लिए हैं। बाबा कब आते हैं, संगम पर। बाबा कहते हैं वो बाप ही है सर्वशक्तिमान। इन लक्ष्मीनारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक है। उन्होंने ये राज्य कैसे पाया, अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। तो योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है, इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा बाबा कहना सीखो। बाबा कहते हैं यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म का अविनाशी पाठ भरा हुआ है, तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैव्य गुणों वाला बनना है। यह है अहम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं, ऐसा हमको बनना है। जो मेहनत बहुत करेंगे वो राजा रानी बनेंगे, जो बहुतों को नॉलेज देंगे वो हर एक को अपने दिल से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, और कहते भी हैं आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। बहुत फर्क होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। उन्होंने तो लिख दिया है लाखों वर्ष, हाँ 5000 वर्ष की बात है, तुम सिद्धि कर बतलाते हो यह 5000 वर्ष का चक्र है, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठता। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं वैसे यह भी बीके की संस्था है। यह गीता को उठाते हैं, अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, यह दादा जवाहरी बैठा है, ऐसे समझते हैं। तो मुझेंगे ना मनुष्य। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी तक नंबर 1 जाना है। तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम कहते हो हम आत्मा है, अच्छा आत्मा को कब देखा है, अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकोगे। आत्मा को जानना है कैसे, उनमें पाठ भरा हुआ है, यह बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं, यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। तो बाबा आज धारणाओं में कहते हैं योग युक्त हो अपने हाथों से भोजन बनाना और खाना है, पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर बारी कर देना है, इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं,
अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है, वो सुख देते और सुख लेते हैं। बाबा कहते हैं तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया, पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देने जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया वा लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। इसलिए हम बच्चों को बहुत गहरी रीति से बातों को समझना है और पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली के अनुसार हम सोमन लेंगे, मैं मास्टर सुख का दाता हूं, सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है, चलते फिरते बाबा को याद करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति।